खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां देहरादून से नजीबाबाद के लिए रवाना हुए प्रॉपर्टी डीलर कार सहित लापता हो गया, जिसकी जांच पड़ताल में युवक की कार को बरामद किया, पर अभी भी युवक का कोई पता नहीं चल पाया, जिसकी जांच में पुलिस अभी भी जुटी हुई है। आपको बता दें कि बिजनौर के नजीबाबाद निवासी सपा नेता के हाजी फाजल के परिवार से 48 वर्ष प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। वहीं 3 दिन पहले अहमद देहरादून से नजीबाबाद के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद वह देर रात तक घर नहीं पहुंचे और मोबाइल बंद आने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। तभी परिजनों ने नजीबाबाद पुलिस और मंडावली थाने को अहमद के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने जब जांच की तो अहमद की मोबाइल के अंतिम लोकेशन गांव गुढ़ा क्षेत्र में मिलने, जिसके बाद मंडावली के थाना अध्यक्ष नरेंद्र गौड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम और परिजनों ने नहर में कार गिरने की आशंका से अहमद को तलाशने का अभियान चला दिया। युवक की बस कार ही मिल पाई, जिसके बाद पुलिस ने हरिद्वार से पूर्वी गंगा नहर का पानी बंद कराने के प्रयास भी किया।